हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार भाई नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम मस्त हैं। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7 बजे से और अभी हमारे यहाँ पानी आ गया है। फर्स्ट बारी तो नहीं थी, आज हमारी दूसरी बारी है। तो पानी का टाइम भी हो गया है, पानी भी आ गया। तो अभी मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं घास को। आज हम सुबह भी जा रहे हैं क्योंकि हरी घास नहीं मिल रही और हमारी भैंसों को तो आदत हुई है हरी घास की। तो अभी मैं और मम्मी जाएंगे। आज हम चक्की साइड को जा रहे हैं घास को और वहाँ तो हिसाल भी काफ़ी हुए होंगे तो खाएंगे, उसी के लिए जा रही मैं तो ज़्यादातर। तो वो चलते हैं। अंजू घर में पानी भरेंगे और देवरानी जी भी घर में हैं। आज उनको फिर से ग्वाला भेजने वाले हैं। पता नहीं बकरियाँ उनके साथ रहती है या नहीं, कल तो भाग गए थे बकरियाँ, आज पता नहीं। तो मैं और मेरी मम्मी चलते हैं घास को। तो मैं और मेरी मम्मी लग गए हैं रास्ता। आज हम चक्की साइड को ही जाने वाले हैं और हमने पहले से अपना गत भी लगा लिया है घास वाला। घास मिले या नहीं मिले लेकिन पहले से तैयारी कर ली है हमने। तो चलते हैं। सुबह सुबह घास को जाने में फ़ायदा भी है क्योंकि धूप भी नहीं होती उतनी और घास मिल जाती है सुबह के टाइम में। चलते हैं। तो आगे से मेरी मम्मी चल रही है, हम दोनों ने ही पहले से तैयारी फुल कर ली है अपनी। चलते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली इस गधेरे में हमको काफ़ी घास मिल रही है नीचे को हो रखी है क्योंकि पानी वाला गधेरा है तो हरा हो रखा है। तो मम्मी तो लगे हैं और ये देखो हिसालू कितने पके हैं। वाह, एकदम इतने मीठे हो रहे ना, नेचुरल मीठे हैं, इससे कोई बीमारी भी नहीं हो सकती। तो काफ़ी, और सुबह के टाइम में तो और भी मीठे हो रहे, दिन में तो काफ़ी धूप में गर्म हो जाते हैं। अभी काफ़ी अच्छे हो रहे, खा सकते हैं हम इनको। हम तो इन्हीं को खाने के लिए आए। और इतने बड़े बड़े हो रखे, वाह। वो मीठे को धोरे पे इतने मीठे हो रहे हैं ना, वाह, बिल्कुल शहद की तरह मीठे हुए हैं। तो घास भी ढूंढते हैं और बीच बीच में खाते रहेंगे, खाने के लिए भी मिल रहे हैं। हाँ, तो अभी फटाफट से जल्दी जाएंगे, घास मिली जाएगी तो लग जाते हैं घास ढूंढने में। तो आज काफ़ी अच्छी घास मिल गई है हमको और ज़्यादा भी मिली है वैसे और दिन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम एक ही गाथ में लेके जाएंगे तो मम्मी इसमें बांधेंगे। और आज काफ़ी अच्छी घास भी है, एकदम हरी, जैसे चौमास के दिनों में होती है घास रखी हुई है। तो हमारे भैंसों के लिए अच्छी घास मिल गई आज। अभी तो हम आधे गधेरे तक आए हैं, फिर कल और आएंगे। ऊपर को हुई होगी वैसे घास और हिसाल भी काफ़ी हुए हैं इधर, उसको बांध लेते हैं। अभी चलते हैं घर को। हमारा ये घास का एक गुढ़ो जैसा हो गया है, अब चलते हैं, मैं लेके जाऊंगी इसको। ये थोड़ा सॉन्ग भी मिल गए हैं, घर में रहते हैं दो बकरियां उनके लिए हो जाएगा। तो घास के साथ साथ हमको थोड़ा लकड़ियां भी मिल गई है, एक साथ दो चीज़ें मिल गई। अभी चलते हैं हम घर को। घास भी हो गई और थोड़ा लकड़ी भी मिल गई। वैसे भी हम कुछ नहीं छोड़ते, हमको मिल जाए तो। चलते हैं घर को, सब चाहिए हमको, लकड़ी भी चाहिए, घास भी चाहिए। घास से हम घर आ गए हैं और अभी हम करेंगे नाश्ता। वैसे तो सुबह मैं दो रोटी खा के गई थी लेकिन मेरे को काफ़ी भूख लग गई है फिर से। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम नाश्ता करते हैं, मम्मी देंगे हमको नाश्ता, पत्ता गोभी की सब्ज़ी है हमारी। ये रहा मेरा नाश्ता, अभी नाश्ता कर लेते हैं। डुगू भी करेगा, डुगू नाश्ता करते टाइम हमारे साथ ही रहता है, इसको भी भूख लगी है तो अभी नाश्ता करते हैं हम। तो वो खाना खा के मैं चल देती हूँ अब ग्वाला, रोज की ड्यूटी है तो ग्वाला चलती हूँ और जल्दी ले आएंगे। वैसे तो हम आजकल जल्दी ले आते हैं क्योंकि धूप आजकल काफ़ी तेज़ है। चलते हैं अभी। सुबह तो मीनू गए थे वैसे, अभी चाची लोग देख रहे हैं, अब मैं चलती हूँ। हम आ गए हैं ग्वाला और यहाँ एक दीदी आए हैं आज। हेलो, आज डांस करेंगे, ब्लॉग भी देखते हैं मेरा रोज देखती हूँ, अच्छा लगता है अपने गांव का। हाँ, दिखने में। आज बुआ आती है ना जो ग्वाला उनकी लड़की है, आज ही आए हैं। कॉमेडी भी करते हैं, मस्ती करेंगे आज, कॉमेडियन है। दीदी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज दीदी यहाँ डांस करने वाले हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे इनका डांस।
ये है डांसर दीदी, हेलो बोलो। हेलो। बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने, डांस करने का शौक है इन्हें, अच्छा लगा हमको भी। चलो अभी इनको गोद बांधेंगे। चल तो दोस्तों हम ग्वाला से घर आ गए हैं, आज काफी मेहमान आ रहे हैं, चाची जी और चाचा जी आज आए हैं फिर से। नई बहू से मिलोगे अभी? तो दुल्हन से मिलेंगे। आशीर्वाद लो चाचा जी और चाची। अब जा रहे हैं चाची जी और चाचा जी। बाय बाय बाय। आया आया फिर प्रेम से रहना, अपने सासू माँ की सेवा करना, करके जाना। हाँ हाँ। आज हमारे घर में कुछ लोग आए हैं, मेहमान ही हुए तो वो आए हैं आशीर्वाद देने देवरानी जी को। हम चलते हैं नीचे, ये सब देखना चाहिए। आज अच्छी अच्छी बधाई लूंगी। मेरे माता क्या है? मूली के बीज। मूली का बीज है, मूली के बीज है। अब वो होता नहीं है, अब बहुत अब रोड बन जाएगा तेरे घर के लिए। हां बन दिया रोड है ना। ला लड़की साड़ी ला। ना मैं भेंट लेके आऊं फिर नाचूंगी। मैंने अच्छी साड़ी दी थी, ये भी अच्छी है। लोगों को ज्यादा बुलाना, तो ये तो कितना बुलाना, वो बुलाना क्या बुला तो भाई मेरी जिठानी ठहरी हो तो जिठानी ठहरी, इसको छोड़ के तो इन्हें को पकड़ेंगे। इनको छोड़ के तेरा पीछा लेंगे घर तक, तुझे भगाएंगे पीछे पीछे तेरे। वो आगे से जाएंगे, तू आगे आगे हम पीछे पीछे। ला तेरी साड़ी मुझे लूंगी, इतना तो लड़ी उठती थी और लूंगी। नहीं तुम चल सकते हो, मेरे कहा तेरे आगे पहले चल जाएगी, तू तो फेमस होने वाली है और 10-15 दिन के बाद फेमस हो जाएगी तू जरूर। और इसके होने जा रहे हैं सगुने। अंदर गिनो। चलो फिर मैं चंदेरा भर देखूंगी, आजकल के लड़के शर्म
करके लौंडे शर्म नहीं करते नहीं चलते आजकल की लड़की शर्म नहीं करती आजकल की लड़की शर्म नहीं करती जा रही हूँ, बाय बाय, फिर मिलूंगी। तो दोस्तों अभी हम खाना खाते हैं और आज आशीर्वाद देने आए थे मेहमान, मतलब वो आशीर्वाद देने आते हैं शादी के बाद किसी भी अच्छे काम में, उसके बाद ये लोग आशीर्वाद देने आते हैं और इनका आशीर्वाद काफ़ी मतलब अच्छा भी होता है, मतलब लोगों ने इनके लिए मतलब सोच अपनी ख़राब करी होती है, वैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं, इंसानी हैं वो, तो हमने सबको एक जैसे ही समझना चाहिए और काफ़ी अच्छा बिहेवियर था इनका, तो हमको भी अच्छा लगा। और अभी हम खाना खा लेते हैं, आज तो हमने खाना भी नहीं खाया, लेट हो गया है, दाल चावल रेडी होगी, खाना खा लेते। खाना भी हमने खा लिया है और आज बनाई थी भट्ट की चुटकानी, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी मीठी लग रही थी, मतलब मीठी का मतलब ऐसे नहीं होता, हाँ तो पेट फुल है भी। और अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा टाइम तो इन्हीं के साथ लग गया जो आए थे, और थोड़ा चाची लोग भी आए थे उनके साथ बैठे थे हम, और अभी हम रेस्ट करते हैं। यहाँ हमारा रूम तो एसी से पढ़कर लगता है, बाहर से आओ तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। डुगू, ये देखो हमारा डुगू भी हमारे साथ सोता है, सोया कैसे है, बाप रे नीचे सोए हैं हम, यहाँ पे काफ़ी ठंडा लग रहा है इसे, देखो नींद के टाइम में तो इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, फिर भी सोए रहेगा वो, स्टाइल देखो उसकी, सीधा। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट के बाद अभी हम उठ गए हैं, और इतनी मस्त वाली नींद आई कि नींद नहीं खुली। अंजू ने भैंस बकरे भी बाहर बांध लिए हैं और हम लोग सोए रहेंगे, अभी घास को जाएंगे, नींद जैसी आ रही है अभी भी। बकरियाँ पहुँचा के आते हैं, अभी बकरियाँ खुल गई, आज क्या शाम के टाइम में हमें खोल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ डुगू भी आ गया, बकरियों को भगा दे रहा है। डुगू डुगू, मैं और डुगू आए हैं ग्वाला, मैं डुगू भी बकरियाँ देख रहा हूँ, इसको ही देखने वाला चाहिए एक दिन। अभी हमने यहीं पे खोले हैं घर के नीचे, मनीषा रोज के ग्वाला वाले हैं, हम तो जाएंगे घास को, मैं और मम्मी अभी मिलवाएंगे। डुगू चल घर हेलो को। अब मैं और मेरी मम्मी जाएंगे घास को, और मेरे यहाँ पे बकरियों के ग्वाला जाएंगे, वैसे तो उनके साथ रह लेंगे भी यहीं पे खोले हैं, तो हम चलते हैं घास को। सुबह तो काफ़ी अच्छी घास मिली है, अब पता नहीं कैसे मिलती है, अभी हम अपने सार में ही जा रहे हैं और चलते हैं, देवरानी जी को ग्वाला भेजेंगे। अब आप जाइए ग्वाला, हम जाते हैं ग्वाला, बाय 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 बाय। चलो तो हम घास से आ गए हैं और अंजू खेत में लगे हैं, कल मम्मी लगे थे, आज अंजू लगे हैं, अंजू लगा रहे हैं बैंगन और मिर्ची हैं, आधे तो हमने पहले से ही लगाए थे शादी से पहले, वो तो ऐसे ही सूख के ख़राब हो गए, कुछ कुछ पेड़ हमारे सही बचे हैं, बाकी अंजू ने हाँ लगा भी ली है बैंगन, अंजू हाँ लगा रहे हैं, ये वाले जो बैंगन के पेड़ हैं हमारे शादी से पहले ही लगाए थे हमने, कुछ तो सही हुए हैं। और इधर को मम्मी ने बीन्स भी लगाए हैं, कोने कोने में बीन्स भी होने लगे हैं, बाकी अंजू ने यहाँ लगाए हैं, उधर को मिर्ची है और इधर को बैंगन के पौधे हैं। अभी अंजू इसमें हम इनमें पानी दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा देखो एक कड़ी पत्ता का पेड़ हुआ है, इसका पेड़ होता है बड़ा, अभी तो ये छोटा ही हुआ है हमारा, दाल वगैरह में डालते हैं इसको, स्वाद आता है इससे। और इस बार हमारे अनार इसमें भी होंगे शायद, वैसे दो तीन हुए हैं, अभी तो फूल ही आए हैं, पता नहीं होते हैं कि नहीं, ये देखो अभी फूल आने में ही है, पिछली बारी तो इसमें नहीं हुए थे, इसमें तो काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे, होने भी लगे हैं, खट्टे मीठे होते हैं। और ये झाड़ू के पेड़ देखो, शादी के टाइम पे वैसे टूटे नहीं है, फिर भी सही सलामत है,
नविया हेलो ये देखो ये काफी अच्छे झाड़ू होते हैं। अभी अब हम सब्जी की तैयारी करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू चने की सब्जी। तो वीडियो को भी एंड करते हैं। और आज घर में वैसे काफ़ी लोग आए थे, मतलब जब घर में कोई आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चाची लोग भी आए थे और देवरानी जी को आशीर्वाद देने के लिए भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ग्वालियर में भी आज काफ़ी मज़ा आया। ऊपर वाली दीदी आए थे, उन्होंने डांस किया। तो हम अपनी वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। आजकल आप लोग वैसे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, आप वीडियोस भी देख रहे हो, लाइक भी करना, और पूरी वीडियो देखना बहुत अच्छा लगेगा। आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है। तो कल मिलूँगी, बाय बाय।